नमस्कार, डीडी स्पोर्ट्स डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मेघा। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे खेल से जुड़े हफ्ते भर की तमाम खबरें जो देश और दुनिया में बनी सुर्खियां। बात करेंगे भारत वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज, इंग्लैंड में चल रहे एशेज सीरीज और खेल पुरस्कारों के भी, पर सबसे पहले 10 बड़ी खबरें। क्लीन इंडिया के बाद अब फिट इंडिया, राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रधानमंत्री शुरू करेंगे नया अभियान। क्लीन इंडिया के बाद अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देशव्यापी फिट इंडिया अभियान छेड़ने जा रहे हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर पीएम की ओर से देश की जनता को फिटनेस के प्रति जागरूक करने के लिए इंदिरा गांधी स्टेडियम में फिट इंडिया अभियान की शुरुआत की जा रही है। खेलो इंडिया के तहत खेल मंत्रालय की अगुवाई में ये अभियान विभिन्न चरणों में 29 अगस्त 2019 में अगले 4 साल यानी 29 अगस्त 2023 तक जारी रखा जाएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने जापान को हराकर जीता ओलंपिक टेस्ट इवेंट का खिताब। भारतीय महिला हॉकी टीम ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए मेजबान जापान को एक संघर्षपूर्ण मैच में 2-1 से हराकर ओलंपिक टेस्ट प्रतियोगिता का खिताब जीता। ओआई हॉकी स्टेडियम में विश्व में 10वें नंबर की भारतीय टीम की तरफ से नवजोत कौर ने 11वें और लालरेम सियामी ने 33वें मिनट में गोल किए। जापान की तरफ से एकमात्र गोल मिनामी शिमीजू ने 12वें मिनट में किया। भारतीय दिव्यांग तैराक का कमाल, 11 घंटे 34 मिनट में कैटलीना चैनल पार कर रचा इतिहास। दिव्यांग तैराक सतेंद्र सिंह लोहिया ने अमेरिका में 42 किलोमीटर की कैटलीना चैनल सिर्फ 11 घंटे 34 मिनट में तैर कर पार की और इतिहास रच दिया। सत्येंद्र मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रहने वाले हैं और इतने कम समय में इस चैनल को पार करने वाले एशिया में वे पहले दिव्यांग तैराक बन गए हैं। कैटलीना चैनल में पानी का तापमान करीब 12 डिग्री होता है, ऐसे में लगातार तैरकर इसे पार करना बड़ा ही मुश्किल माना जाता है, लेकिन सतेंद्र ने ये चैलेंज स्वीकार किया और इसे पार कर देश का नाम रोशन कर दिया। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित यूएस ओपन क्वालिफायर के अंतिम दौर में। भारत के टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल पहली बार ग्रैंड स्लैम में प्रवेश के करीब पहुंच गए हैं। उन्होंने यूएस ओपन क्वालिफायर के दूसरे दौर में पीटर पोलांस्की को हराया है। करियर की सर्वश्रेष्ठ 190वीं रैंकिंग पर काबिज नागल ने कनाडा के 192वीं रैंकिंग वाले खिलाड़ी को 7-5, 7-6 से मात दी। उज्बेकिस्तान के खिलाफ 2 मैत्री मैच खेलेगी भारतीय महिला फुटबॉल टीम। भारतीय महिला फुटबॉल टीम एएफसी एशियाई कप 2022 की तैयारियों के तहत उज्बेकिस्तान के खिलाफ 2 मैत्री मैच खेलेगी। हाल ही में कॉटिफ कप में तीसरे स्थान पर रहने वाली भारतीय महिला टीम 29 अगस्त और 2 सितंबर को ताशकंद के याकासारी स्टेडियम में 2 मैच खेलेगी। भारत की शीर्ष महिला टेनिस खिलाड़ी अंकिता अमेरिकी ओपन क्वालिफाइंग से बाहर। भारत की शीर्ष महिला एकल टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना 3 सेट तक चले कड़े मुकाबले में हार के साथ अमेरिकी ओपन की महिला एकल क्वालिफाइंग स्पर्धा से बाहर हो गईं। दुनिया की 194 नंबर की भारतीय खिलाड़ी को चेक गणराज्य की डेनिसा के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। प्रजनेश गुणेश्वरन हार कर विंस्टन सेलम ओपन से बाहर। भारत के प्रजनेश गुणेश्वरन दुनिया के 30वें नंबर के खिलाड़ी बेनोइट पेरे से दूसरे दौर में हारकर विंस्टन सेलम ओपन एटीपी 250 टूर्नामेंट से बाहर हो गए। विश्व रैंकिंग में 89वें स्थान पर काबिज गुणेश्वरन को फ्रांसीसी प्रतिद्वंदी पेरे ने 6-3, 7-5 से हराया। अनुशासनहीनता पर साक्षी मलिक को मिला नोटिस। ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक को भारतीय कुश्ती संघ की ओर से सोमवार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साक्षी पर आरोप है कि वो बिना किसी इजाजत के राष्ट्रीय कैंप छोड़कर चली गईं। भारतीय कुश्ती संघ ने अनुशासन तोड़ने और बिना बताए ट्रेनिंग कैंप छोड़ने की वजह से साक्षी को ये नोटिस भेजा है। अगले साल फुटबॉल को अलविदा कह सकते हैं रोनाल्डो, संन्यास की खबरों पर दिया बड़ा बयान। पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने संकेत दिया है कि वो अगले साल संन्यास ले सकते हैं। रोनाल्डो इटली लीग की मौजूदा चैंपियंस जुवेंट से खेल रहे हैं। रोनाल्डो ने रिटायरमेंट के बारे में पूछे जाने पर कहा, मैं उस बारे में नहीं सोचता, शायद मैं अपना करियर अगले साल समाप्त कर सकता हूं, या फिर मैं 40 या 41 साल तक भी खेल सकता हूं।
ITF ने आईटा की दलीलों को स्वीकारा। भारत पाक डेविस कप टाई 2 महीने आगे बढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने बड़ा फैसला लेते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच इस्लामाबाद में होने वाले एशिया ओसियाना ग्रुप 1 डेविस कप टाई को नवंबर माह तक आगे बढ़ा दिया है। भारतीय टेनिस संघ की दलीलों को स्वीकार करते हुए ITF के डेविस कप कमेटी ने स्वतंत्र सुरक्षा सलाहकारों से जांच कराने के बाद ये फैसला लिया है। टॉप 10 के बाद अब बात स्पेशल स्टोरी की। पैरालंपिक्स में सिल्वर विजेता दीपा मलिक और चैंपियन रेसलर बजरंग पूनिया को भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न से नवाजा जाएगा। रविंद्र जडेजा सहित 19 अन्य खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा। रिटायर्ड जस्टिस मुकुंदकम शर्मा की अगुवाई वाली 12 सदस्य कमेटी ने अवार्ड की लिस्ट तैयार की। भारतीय रेसलर बजरंग पूनिया को इस साल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा जाएगा। भारतीय कुश्ती महासंघ ने बजरंग पूनिया के साथ महिला रेसलर विनेश फोगट के नाम की भी सिफारिश की थी। 25 वर्षीय पूनिया पिछले साल इस खिताब से चूक गए थे। बजरंग पूनिया, इस नाम को किसी परिचय की जरूरत नहीं है। धुरंधरों को अपने दांव पेच से धूल चटाना इनकी आदत है। मुकाबला कहीं भी हो, किसी से भी हो, इस महाबली का कोई जवाब नहीं है। तभी तो इनकी काबिलियत पर सरकार ने भी मुहर लगा दी है। बजरंग पूनिया को राजीव गांधी खेल रत्न दिया जाएगा। राजीव गांधी खेल रत्न देश में खेल का सर्वोच्च पुरस्कार है। दीपा मलिक के साथ बजरंग पूनिया अवार्ड शेयर करेंगे। 12 सदस्यों की समिति ने उनके नाम पर मुहर लगाई। बजरंग पूनिया 65 किलोग्राम भार वर्ग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं। पूनिया हरियाणा के झज्जर के रहने वाले हैं। 2013 वर्ल्ड चैंपियनशिप में 60 किलोग्राम वर्ग में बजरंग ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 2014 के एशियन गेम्स में पूनिया ने 61 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता। 2014 में ही पूनिया 65 किलोग्राम कैटेगरी में शिफ्ट हुए और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। अपनी प्रतिभा से देश का नाम रोशन करने वाला बजरंग कामयाबी के सफर में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बजरंग ने 2018 गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड पर दांव लगाया। इसी साल वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। कामयाबी का सिलसिला एक बार जो शुरू हुआ वो लगातार चलता रहा। एशियन चैंपियनशिप में भी बजरंग ने लोहा मनवाया। 2 गोल्ड 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया। इन कामयाबियों के बाद पिछली बार खेल रत्न नहीं मिलने से बजरंग पूनिया थोड़े निराश भी हुए। उन्होंने बाकायदा अपनी नाखुशी भी जाहिर की। लेकिन इस साल राजीव गांधी खेल रत्न के ऐलान के बाद पूनिया पूरे जोश में हैं। अब उनकी नजर ओलंपिक में गोल्ड मेडल पर है। कोई शक नहीं कि बजरंग पूनिया देश के हीरो हैं। उनकी लगातार मेहनत ने देश का सिर दुनिया भर में बुलंद किया है। वहीं अब देश भी चाहता है पूनिया ओलंपिक में अपने वायदे को पूरा करें, गोल्ड पर दाव लगाएं और इसके साथ तिरंगे की आन बान और शान को और ऊंचा करें। रेसलर बजरंग पूनिया के साथ दीपा मलिक को भी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। दीपा पहली महिला पैरा एथलीट बन जाएंगी जिन्हें खेल रत्न के पुरस्कार से नवाजा जाएगा। 2016 रियो पैरालंपिक्स में दीपा ने शॉटपट में सिल्वर मेडल जीता था। इसके साथ ही एशियन गेम्स में जैवलिन थ्रो और शॉटपट में दीपा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। दीपा दूसरी पैरा एथलीट बन जाएंगी जिन्हें खेल रत्न पुरस्कार मिलेगा। उनसे पहले देवेंद्र झा झरिया ने 2017 में जैवलिन थ्रो के लिए खेल रत्न जीता था। निद्रा का सपना केवल एक मृग तृष्णा है, क्षण भर का चारु चंद्र फिर निशा केवल कृष्णा है। सपने देख जागृत अवस्था में, बना उन्हें आदर्श कायम कर व्यवस्था में।
भले ही दीपा अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन दीपा के हौसले हमेशा सातवें आसमान पर रहे। जिस खिलाड़ी के शरीर में 183 टांके लगे हों, जिस खिलाड़ी के 31 ऑपरेशन हुए हो और इसके बाद भी जिस खिलाड़ी के लिए तिरंगे की शान ही सब कुछ हो, जो इस हालत में भी अपनी कामयाबी का झंडा गाड़े, तो फिर सरकार क्यों ना उन्हें सम्मानित करने का ऐलान करे। दीपा मलिक को बजरंग पुनिया के साथ राजीव गांधी खेल रत्न दिया जाएगा। दीपा मलिक खेल रत्न हासिल करने वाली पहली महिला पैरा एथलीट होंगी। दीपा ने रियो पैरालंपिक 2016 में शॉटपुट में सिल्वर मेडल हासिल किया था। दीपा एशियाई खेलों में जैवलिन थ्रो और शॉटपुट में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं। दीपा सर्वोच्च खेल सम्मान पाने वाली देश की दूसरी पैरा एथलीट हैं। दीपा से पहले भाला फेंक एथलीट देवेंद्र झाझरिया को 2017 में खेल रत्न मिला था। दीपा मलिक के लिए खेल के मैदान में कामयाबी और फिर ये अवार्ड कितने मायने रखते हैं, उनके जीवन के सफर से समझिए। दीपा के कमर से नीचे का हिस्सा लकवाग्रस्त है। 17 साल पहले रीढ़ में ट्यूमर की वजह से चलना असंभव हो गया था। क्योंकि मैं व्हीलचेयर पे थी, मुझे पेशेंट समझा जाता था, मेरी फिटनेस पे डाउट किया जाता था। तब जो मेरा आउटडोर्स का प्यार था, जो मेरी हॉबीज थी, मैंने उन्हें यूज किया। क्योंकि आई वाज जस्ट अ ग्रेजुएट व्हेन आई गॉट मैरिड, तो मैंने अपने लिए एक रास्ता चुना कि मैं ऐसा क्या करूं जो लोग फाइनली ये बिलीव करें कि व्हीलचेयर पे रहते हुए, पैरालिसिस होते हुए मेरी ज़िंदगी अच्छी है, मैं खुश हूं और मैं फिज़िकली फ़िट हूं। कुछ लोगों की आंखें कमज़ोर होती हैं, वो चश्मा लगा लेते हैं, उन्हें कोई अंधा नहीं कहता। मैं व्हीलचेयर पे हूं तो मुझे बीमार क्यों कहते हैं। तो अस्पतालों में जाके एक्सरसाइज करने के बजाय मैंने अपना फोकस स्पोर्ट्स में शिफ्ट किया। दीपा की कामयाबी का सफर सिर्फ शॉटपुट के रिंग तक ही नहीं है, जैवलिन थ्रो और स्विमिंग में भी हिस्सा ले चुकी हैं और मेडल भी जीत चुकी हैं। दीपा ने 2009 में शॉटपुट में पहला ब्रॉन्ज जीता था। 2011 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में दीपा सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब रही। 2011 में ही शारजाह वर्ल्ड गेम्स में दो ब्रॉन्ज जीते। 2012 में मलेशिया ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जैवलिन और डिस्कस थ्रो में दो गोल्ड मेडल जीते। 2014 में चाइना ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप बीजिंग में शॉटपुट में स्वर्ण पदक जीता। जैवलिन थ्रो में दीपा के नाम एशियन रिकॉर्ड है। पहले लोग मुझे अपंग कहते थे, अब मुझे इंटरनेशनल एथलीट कहते हैं। और जैसे ही मुझे एथलीट या स्पोर्ट्स पर्सन या अर्जुन अवार्डी कहते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो व्हीलचेयर है या अपंगता है या वीकनेस है या बॉडी की डिसेबिलिटी है, वो सब वॉश आउट हो जाती है। 48 साल की दीपा ने हमेशा अपनी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। यही वजह है कि आज देश की बेटी को सबसे बड़े खेल सम्मान से सम्मानित करने का फैसला किया गया है। और अब बात टेनिस की। सिंसिनाटी मास्टर्स ओपन सिंगल्स का खिताब डैनिल मेदवेदेव और मैडिसन कीज ने अपने नाम किया। रविवार को चले संघर्षपूर्ण मुकाबले में मैडिसन कीज ने स्वेतलाना कुज़नेत्सोवा को हराकर खिताब पर कब्जा जमाया। वहीं मेन सिंगल्स में रूस के मेदवेदेव ने खिताब हासिल किया। मेदवेदेव ने सेमीफाइनल्स में नोवाक जोकोविच को हराकर बड़ा उलटफेर भी किया था। इस तूफान से कोई कैसे पार पा सकता है? इस धमाकेदार शॉट से बचना मुश्किल है। जोश, जुनून और रोमांच से भरा मुकाबला, ऐसे में सनसनी मचना तो लाजमी है और ये काम किया मेदवेदेव और मेडिसन कीज ने। जबरदस्त प्रदर्शन के दम पर सिंसिनाटी ओपन पर कब्जा जमाया। डेविड गॉफिन और कुज़नेत्सोवा को हराकर चैंपियन बने। बात डैनिल मेदवेदेव की करें तो मेदवेदेव ने फाइनल मुकाबले में डेविड गॉफिन को पटखनी दी। मेदवेदेव पिछले दो बार के उपविजेता हैं, इस बार फाइनल में गॉफिन को 7-6, 6-4 से हराया। रूस के मेदवेदेव ने अंतिम गेम में ब्रेक पॉइंट बचाने के बाद एस जमाकर जीत दर्ज की। It's amazing. I mean, I need to say I have no power. I'm so exhausted to celebrate. Like,
If you would ask me before the tournament, what would I do if I win the tournament, I would say I would have fall down on the court, scream like crazy, and finally when I made this last ace, I had no power to even say one word, so I just went to the net and I was like, okay, it's finished, I won it. And especially it feels good after losing, I think, three finals in a row, four finals this year, winning only one, to win a Masters 1000 is amazing. Masters 1000 में मेदवेदेव का पहला खिताब है। इससे पहले वो निक किर्गियोस और राफेल नडाल से फाइनल मुकाबला हार गए थे। वहीं मेडिसन कीज की खिताबी भिड़ंत कम चुनौतीपूर्ण नहीं रही। कीज ने स्वेतलाना कुज़नेत्सोवा को हराया। कीज ने 7-5 7-6 से हराकर सिनसिनाटी ओपन जीता। कीज ने कुज़नेत्सोवा की दोनों सेट में 10वें गेम में सर्विस तोड़ी। साल 2017 में यूएस ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली कीज का ये 5वां खिताब है। इस सेशन में कीज की ये दूसरी कामयाबी है। कीज ने अप्रैल में चार्ल्सटन ओपन का खिताब जीता था। It feels really great to be champion in Cincinnati. I had a really tough week last week in Toronto and was feeling pretty down, but I feel like I came to Cincinnati and I gave myself the best opportunity to win the title and I did. चोट से उबरने के बाद वापसी कर रही कीज विंबलडन में दूसरे दौर में बाहर हो गई थी, तो वहीं हालिया दो टूर्नामेंट में पहले दौर से आगे नहीं बढ़ सकी, लेकिन ज्यादा देर तक नाकामयाबी कीज का पीछा नहीं कर सकी। स्पोर्ट्स डायरी में अभी और भी कई खबरें हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको बताएंगे एक खास स्पोर्ट्स बाइक की जो कि खेल की दुनिया में मचा रही है धूम। डीडी स्पोर्ट्स, चलो खेलो। डीडी स्पोर्ट्स डायरी में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब स्पेशल रिपोर्ट से जुड़ी कुछ और खबरें। और अब हमारी स्पेशल रिपोर्ट स्विट्जरलैंड के अल्पाइन शहर से है, जहां बेहद ही दिलचस्प बाइक फेस्टिवल मनाया गया। इलेक्ट्रिक बाइक फेस्टिवल में पहली बार वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक मेडलिस्ट ने भी हिस्सा लिया। सुहाने मौसम के लिए मशहूर अल्पाइन शहर, ये नजारा है अल्पाइन शहर में हो रहे बाइक रैली की। बस फर्क इतना है कि ये इलेक्ट्रिक बाइक रैली है। स्विट्जरलैंड के वर्बियर में पहली बार इलेक्ट्रिक बाइक फेस्टिवल मनाया जा रहा है। अल्पाइन शहर अब दुनिया में ई बाइक के सबसे बड़े कलेक्शन का स्वागत कर रहा है। ये फेस्टिवल लोकल ई बाइक गाइड के दिशा निर्देश पर किया जाता है। वैसे तो यहाँ एक दिन की रेस होती है, लेकिन इस बार 3 दिनों के रोमांचक रेस का आयोजन किया गया। 300 किलोमीटर की ये रेस दुनिया भर में अपने रोमांच के लिए जानी जाती है। वर्बियर से शुरू होने वाला ये रेस स्विस ऑफ पोर्टियार होते हुए स्विस अल्पास तक जाती है। यूरोप के सबसे ऊंचे पर्वत मोंट ब्लांक में राइडर एक रात रुकते हैं, दूसरे दिन राइडर्स फ्रांस के शेमोनिक्स पहुंचते हैं और रेस के अंतिम दिन वर्बियर में जाकर ये रेस खत्म होती है। राइडर्स को ई बाइक के लिए हर दिन 4 बैटरी दी जाती है जो 2000 वॉट पावर जनरेट करती है। इन पहाड़ी इलाकों में चढ़ाई 12000 मीटर की होती है। इस मुश्किल रेस में वर्ल्ड चैंपियन हो या फिर ओलंपिक मेडलिस्ट विजेता, ये सभी पहली बार ई बाइक रेस में हिस्सा ले रहे हैं। इन्हें स्विस जंगल में 101 किलोमीटर का मुश्किल सफर तय करना होगा। इस सफर में करीब 5000 ऊंची पहाड़ी रास्ते का भी सामना करना होगा। कहीं कीचड़ में फुटबॉल तो कहीं हवा में कलाबाजी, करतब और हुनर का ऐसा जौहर जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। मैसिडोनिया के क्रुशीवा में वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग का आयोजन हुआ, जिसमें इटली के जोआचुम ओबरहास ने बाजी मारी। हवा में उड़ते खतरों के खिलाड़ी को देखिए, जुनून इतना कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंच गए करतब दिखाने।
ये तस्वीरें हैं वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप की। उत्तरी मैसिडोनिया के क्रूशियो में 16वीं FAI वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। करीब दो हफ्ते तक चले इस मुकाबले के बाद पैराग्लाइडिंग में चैंपियन का फैसला हुआ। 43 साल के ओबेर हॉसर 10 दिन की कठिन मेहनत के बाद टॉप पर पहुंचे। ओबेर हॉसर को FAI पैराग्लाइडिंग विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने के लिए 48 देशों के 149 पायलटों से कड़ी टक्कर मिली। दूसरे नंबर पर रूस के ग्लिब सुखोट्स्की रहे और तीसरे स्थान पर फ्रांस के होनोरिन हेमाट रहे। महिलाओं की प्रतियोगिता में फ्रांस के 21 वर्षीय मेरिल डेल फ्रायर हावी रहीं। उन्होंने चैंपियनशिप के लिए 10 में से 6 टास्क जीते और गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। मेरिल डेल फ्रायर ने स्विट्जरलैंड की एल मार्गेलिस्क और ऑस्ट्रेलिया की कारी एली को कड़ी टक्कर दी। और अब बात करते हैं फुटबॉल की। अब तक आपने फुटबॉल के कई मुकाबले देखे होंगे। बड़े मैदान में दो टीमों को बड़े ही तूफानी अंदाज से खेलते देखा होगा, लेकिन अब हम आपको रूबरू कराएंगे एक खास अंदाज के फुटबॉल से। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क से 300 किलोमीटर दूर जोन ब्रोवका नाम का छोटा सा गांव। बेहद खूबसूरत इस छोटे से गांव में फुटबॉलर के साथ फुटबॉल फैंस ने मड फुटबॉल खेला। मड फुटबॉल मतलब कीचड़ में फुटबॉल का खेल। वैसे ये पहली बार नहीं है जब यहां पर मड फुटबॉल खेला जा रहा है। इस इलाके के लोग इस तरह का आयोजन त्योहार के मौके पर अक्सर करते हैं। इस आयोजन के लिए मिट्टी और पानी से सने दलदल को खास तौर पर तैयार किया जाता है। इस दलदल वाले मैदान में बेलारूस की अलग अलग 20 पुरुष टीम और 4 महिला टीमों ने एक दूसरे को कड़ी टक्कर दी। यूलिया फुटबॉल खिलाड़ी हैं, साथ ही बेलारूस के स्मोगन के एक स्कूल में जिम टीचर का काम भी करती हैं। जब भी इन्हें मौका मिलता है ये मड फुटबॉल में हिस्सा लेती हैं। यूलिया के साथ ही इगोर जैसे फुटबॉल खिलाड़ी का मानना है कि फुटबॉल से यहाँ के लोग काफी प्यार करते हैं। कीचड़ में इस तरह का आयोजन काफी अच्छा रहता है। वैसे इगोर का ये भी कहना है कि फिलहाल उन्हें फुटबॉल में कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हुई है, लेकिन इस तरह का आयोजन स्थानीय लोगों का फुटबॉल के प्रति लगाव को जाहिर करता है। एक बार फिर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो बताएंगे कि खेल की दुनिया से क्या है हमारे सेगमेंट विजुअल स्पीक्स में, और साथ ही चर्चा करेंगे सोशल मीडिया पे कौन सी खबर रही सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग। डीडी स्पोर्ट्स, चलो खेलो। स्पोर्ट्स डायरी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप हमारे सोशल मीडिया पे भी जुड़ सकते हैं और खेल से जुड़ी तमाम खबरों का अपडेट पा सकते हैं। डीडी स्पोर्ट्स के फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम से आप हमारे कार्यक्रम को लेकर अपनी राय भी रख सकते हैं। साथ ही डीडी स्पोर्ट्स यूट्यूब के जरिए भी हमारे कार्यक्रम का लुत्फ उठा सकते हैं। डीडी स्पोर्ट्स डायरी से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। अगले हफ्ते हम फिर लेके आएंगे खेल से जुड़े हफ्ते भर की तमाम खबरें। हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।